देखना ना जिंदगी फर्स्ट जो यहाँ मैं यहाँ पे एंट्री लिया था, मुझे एक्चुअली कोई आइडिया ही नहीं था अबाउट हॉस्पिटल का. मैं स्टार्टिंग में मैं कोकिला बहन हॉस्पिटल गई थी, उनका फर्स्ट डॉक्टर डॉक्टर नीलन डुंगरे कोकिला बहन हॉस्पिटल. तो उसके बाद यहाँ पे उसने रेफर जब रेफरेंस किया, मैं जब यहाँ पे एंट्री ली स्टार्टिंग में मैं ऐसा फील हुआ मुझे कि मैं वो म्यूजिक एंड ये भगवान का जो ये है, मैं लिटरली मैंने स्टेप रखा, मैं ऐसा लगा मैं कहाँ मैं जैसे लाइक एकदम टेम्पल लाइक. मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ. मैं आई फीलिंग वेरी रिलैक्स, घुसते ही मम्मी को समझ में आ गया था, समझ में आ गया था. मैं आपने बोला आई एम बहुत पॉजिटिव हूँ. अभी ये घर पे भी मैं उनको पता नहीं, मैं सर को मिलने के बाद उसने बोला कि आप सोच लो, आप सब टेंशन निकाल लो, ये हो एकदम बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहो. डर क्यों है, आप भगवान को बिलीव करते हो तो डर क्यों है ऐसा. तो मैं आके मैं हमेशा यहाँ आने के लिए आने के बाद मैं सोचती हूँ यार मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ, लाइक मैं टेम्पल या कहीं मंदिर भगवान के पास आई एम लाइक एकदम गॉड. ऐसा सोचा मैंने सर को बहुत सर कि मैं एकदम एंट्री लिया मुझे ऐसा बॉडी को. हाँ सो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ पे आने से मुझे वो एक पॉजिटिव ये आते हैं, एकदम पॉजिटिव. मैंने कभी मैं निगेटिव में होती नहीं हूँ, जैसे क्या होगा क्या नहीं होगा. स्टार्टिंग डे फर्स्ट डे में थोड़ा सा नर्वस थी, फर्स्ट डे बहुत नर्वस थी मैं. उसके बाद हाँ तो अभी सीरियसली आई एम आज सो एप्रिशिएट हुआ. अभी मैं सीरियसली आई एम रियली सो हैप्पी जंप आउट ऑफ माय हार्ट. मेरे लिए तो इट वॉज लाइक वेन नीरेन डूम सर एक्चुअली रिफर्ड मी टू नटराज सर. आई डेंट नो अबाउट हिम, आई नेवर हर्ड अबाउट हिम. तो फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा ठीक है एक और ऑपरेशन है, कोई बात नहीं होगा एक और ऑपरेशन. बट फिर मम्मी का कोई तो फ्रेंड था और उन्होंने आपसे ऑपरेशन करा रखा था पहले. तो सेफ एंड इज अ वेरी एक्सलेंट डॉक्टर एंड दिस एंड दिस एंड ऑल दैट. I was like, ऐसा बोल रहे हैं तो I'll give it a check. वो कौन है ये बंदा, कौन है. तो I went to Google and I googled your name. तो पहले तो आदित्य जो हॉस्पिटल का आया एंड देन उसके बाद विकिपीडिया का पेज है, वो went through everything. और तभी मुझे लगा खत्म. अब तो हो गया सक्सेसफुल ऑपरेशन. अब पूछना नहीं है, अब मैं जाके मम्मी को जाके रात को दिखा रहा हूँ मम्मी ये देखो पद्मश्री है वाले. तो हो गया खत्म. मैंने इनको बोला यार तूने मतलब जिंदगी में कुछ दिया नहीं, एटलीस्ट मैं पद्मश्री हमें टीवी में देख रही हूँ, पद्मश्री अवार्डेड पर्सन मैं उनको मिलके उसको मिलके आई हूँ, मैं खुश हूँ. लेकिन उनका फेस कभी नहीं देखा प्रॉब्लम भी ऐसा है कि सिर्फ पद्मश्री विनर ही इसको ठीक कर सकता है. मतलब हम रात में ड्राइविंग करते करते हम ये बात करते हैं देखो ओनली दिस डॉक्टर ने क्योर माय डिजीज, आई एम सो स्पेशल. और जिस दिन गणपति का हुआ था ना आरती, उसमें आपके साथ फोटो लिया था और मैं सारा हॉस्पिटल का मेरा एक ग्रुप है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में मेरा एक ग्रुप है, प्रेसेंट का एक ग्रुप है मेरा. तो मैं वहाँ पे फॉरवर्ड किया होता है देख मैं इनको मिल के आई हूँ. अभी इनको ये इसकी वजह से लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो वीडियो ना. So, इतना सबको हमने इस पे बताया और वहाँ का बोला अच्छा था आपने कि अभी हमको ये मिला कि आपके थ्रू इनको मिला तो हम भी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा ये होगा हम उनको उनके पास आएगा तो बहुत अच्छा लगा. And now she has to tell Dr. Pankriya Gawat. Achha, you are new doctor. That's good experience. Gangas distance, how milti rahong kyobhi na. Mere bhi aur present aega. So I came yesterday, but I didn't know the, I mean, I didn't know the exact functioning of the hospital, how it works. But today, after the end of the day, I can actually feel that it functions in a very speculated manner. So every single thing is nicely observed and nicely carried out. So there won't be any loophole or like sir make sure that every patient gets that attention
and every single detail is very much you know, like observed. Nothing should be missed out, no findings, nothing should be missed out. The patient should feel that sisters are giving that much of attention, and it should be throughout the day. It's not just for an hour the attention is given or the care is taken, but it should be throughout. Like, it should come naturally to the patient as well. And I think the most important thing is the music of the hospital and the cleanliness, the way it's organized. It's like top notch. It's kind of unbeatable. So very nice. I would like to be a part of this hospital. Yeah, I agree to that management ka proactiveness wala thing. Like, yeah. Even before surgery, when I was about to get like the operation done, and ma'am was very proactive about everything. Like, samne se she was calling and all, ki, did you do this, I don't have your this thing, give me this thing. And I was like, wow, what a hospital. Like, they're calling me twice, thrice a day. Even when you take an appointment, you get like 4 or 5 messages daily. Did you have an appointment schedule? And I didn't know, yaar, I know. I went there, I know I have an appointment. Rose ki message. But it's a very good thing. Samne se, you guys are very... Abhi, madam.